हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे एक काउंटर मीटर। इसमें क्या है कि हम अप काउंट करेंगे, डाउन काउंट करेंगे, मतलब कोई भी बटन हमारा बार बार काउंटिंग कर रहा है, तो हमने क्या करना है कि उस वैल्यूज को हमने रीड करना है। और रीड किस पे करेंगे, हम लोग यहाँ पर LCD डिस्प्ले पर रीड करेंगे। तो सपोज ये हमारा एक बटन है, ये हमारा अप बटन है, ये डाउन बटन है, एक ये रीसेट बटन है, एक ये सेट बटन है। तो हमने अप से क्या करना है, अप बटन जितनी बार भी हम लोग प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर रीडिंग हमारी इंक्रीमेंट होती हुई दिखेगी, और जैसे हम डाउन बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी डिक्रीमेंट होती हुई स्टार्ट होगी। तो और रीसेट बटन प्रेस करने पर वो वैल्यूज हमारी जीरो होती, और जैसे हम लोग सेट बटन प्रेस करेंगे तो हम उसको एक सेट वैल्यू दे देंगे कि हमें एक सपोज एक हमने नंबर दे दिया 10। तो जैसे हम अप बटन प्रेस करेंगे तो अप बटन प्रेस करने पे क्या होगा कि वो वैल्यूज इंक्रीमेंट होंगी। तो इंक्रीमेंट होते होते जैसे ही वो वैल्यूज 10 के इक्वल हो जाएंगी तो हमारी एक रिले आउटपुट ऑन हो जाएगी, जो कि हमने RA0 से कनेक्ट करी है। वो उस रिले से हम आगे कुछ भी ऑपरेट करा सकते हैं, कोई भी अलार्म बजा सकते हैं या कुछ भी जो भी हम यूज करना चाहें। 220 वोल्ट या किसी भी वोल्ट सप्लाई का हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 12 वोल्ट रिले यूज करी है और एक सर्किट बनाया है रिले को ऑपरेट कराने के लिए, और यहाँ पर हमने पुल अप और पुल डाउन वगैरह यूज किया है। नीचे यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स भी यूज करे हुए हैं ताकि जो भी हमारी डिस्टर्बेंसेज हैं वो हमारी खत्म हो जाए, नॉइज खत्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। यहाँ पर मैंने प्ले बटन प्रेस किया। प्ले बटन प्रेस करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं LCD डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि काउंट्स लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारी फर्स्ट जो डिजिट शो कर रहा है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू शो कर रहा है, ये हमारी सेट वैल्यू शो कर रहा है। अभी हमने सेट वैल्यू 0 दी हुई है, तो मैं एक बार आपको प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीमेंट करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहूँ तो मैं अप बटन प्रेस कर। ये मैंने अप बटन प्रेस किया, एक बार प्रेस किया तो वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 आ गई। अब 1 वैल्यू आ गई, एक बार और प्रेस करता हूँ तो वैल्यू 2 आ गई, इंक्रीमेंट हो रही है। अब यहाँ पर जैसे हम इसे डाउन करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी डिक्रीमेंट हो रही है, फिर ये दोबारा से 0 हो गई। अब मैं इसको एक बार और प्रेस करूंगा तो ये 0 से नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं अप प्रेस करूंगा तो 0। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इंक्रीमेंट हो रही है और ये इससे डिक्रीमेंट हो रहा। अब मुझे क्या करना है, एक सेट वैल्यू लेनी है कि मैं अगर 10 मैंने फिक्स कर दिया तो मैं 10 बार ये बटन प्रेस करूंगा तो मेरी 10 बार प्रेस होने पर मेरी ये रिले ऑन हो जाए। तो मैंने सेट बटन प्रेस किया, इंक्रीमेंट करके देखा, तो मैंने सेट बटन प्रेस किया, यहाँ पर सेट काउंटर लिखा हुआ आ गया। तो अभी सेट काउंटर हमने कितना डाला हुआ है, 0। अब मैं इसमें सपोज 10 फिक्स कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मैंने 10 इसमें कर दिया। अब मैं 10 करने के बाद इसको मैं इसमें सेव करूंगा, तो सेव करने के लिए मुझे सेट और रीसेट बटन दोनों प्रेस करना होगा। सेट और रीसेट मैंने दोनों प्रेस की तो ये वैल्यू सेट हो गई। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियरली कि यहाँ पर 10 आ गया और ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी 0 है। तो मैं अब रीसेट बटन को सेट बटन को रिलीज करूंगा। सेट बटन मैंने रिलीज किया, रीसेट बटन रिलीज किया, ये मैंने दोनों बटन रिलीज कर दी। तो अब क्या होगा, मैं अप बटन प्रेस करूंगा तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, प्रेजेंट वैल्यू मेरी इंक्रीमेंट हो रही है 1। अब आपको यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे रिले है वो अभी ऑफ पोजिशन में है, रिले हमारी ऑफ पोजिशन में है। जैसे ही ये वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू सेट वैल्यू के इक्वल होगी तो रिले हमारी ऑन पोजिशन में जाएगी, रिले ऑपरेट होगी। तो मैं अप करता हूँ, अप किया 2, 3, 4। अब देखिए जैसे मैं अगर इसको डाउन करूंगा तो ये डाउन भी हो जाएगा। अब मैं इसको रीसेट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगी। अब मेरी ये सेट वैल्यू रीसेट नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू रीसेट होनी चाहिए। तो मैंने अप ऑन किया, फिर मैंने अप 2, 3, ऐसे में इसको इंक्रीमेंट करता चला गया। तो ये जैसे ही मेरी 10 होगी तो आप देखेंगे रिले मेरी ऑपरेट हो जाएगी, अभी हमारी ये रिले ऑपरेट हो गई, रिले हमारी ऑन हो गई, तो रिले ऑन पोजिशन में आ गई, तो हमारी आउटपुट ऑन हो गई। अब यहाँ से हम लोग आगे कुछ भी अलार्म वगैरह भेजना चाहते हैं तो हम अलार्म वगैरह यहाँ पर ऑपरेट करा सकते हैं। तो जैसे ही हम अब इसको रीसेट करेंगे तो मेरी ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये रिले भी मेरी ऑफ पोजिशन में आ जाएगी। रीसेट बटन प्रेस किया तो ये 0 हो गया, ठीक है।
अब मैं फिर से इंक्रीमेंट करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है, 10 पे जा करके फिर से ये ऑन पोजीशन में आ गए। अब मैं इसको रीसेट करूंगा, रीसेट हो गया। अब मैं यहाँ पर सेट काउंटर दोबारा से चेंज करके देखेगा, तो मैं यहाँ पर सेट बटन प्रेस किया, यहाँ पर सेट काउंटर 10 हमारा भी डला हुआ था इसमें, तो मैं इसको और डाउन कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको 5 किया, 5 करके मैंने सेट बटन और रीसेट बटन दोनों एक साथ प्रेस किए, तो ये 5 इसमें सेट हो गया सेट पॉइंट पे। अब मैं सेट बटन रिलीज कर रहा हूँ, रीसेट बटन रिलीज कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों बटनों को रिलीज कर दिया। और अब मैं इंक्रीमेंट करूंगा 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं 5 पे अब ये हमारा ऑपरेट हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसको रिसेट करूंगा तो ये फिर हो गया, फिर मैं इसको अप कर रहा हूँ। तो सपोज अगर मैंने ये 4 पर ले जा करके अब मैं इसको डाउन करना स्टार्ट करूंगा तो ये फिर से 0 पे आ जाएगा और मेरी रिले ऑन नहीं होगी। तो रिले ऑन कब होगी? जब हमारी सेट वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो सेट वैल्यू के इक्वल ले जाने के लिए फिर से इसको अप किया, जैसे इक्वल हुआ तो ये रिले ऑन हो। अब इसको फिर रिसेट करेंगे, रिसेट करे हुए 0 हो गया। तो इसकी हमारी वर्किंग क्या है? वर्किंग है कि हम अप और डाउन बटन से, अप बटन से हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और डाउन बटन से हम काउंटर को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और रिसेट से हम काउंटर को रिसेट कर रहे हैं, और सेट से हमने सेट करना है सेट काउंटर में सेट वैल्यू हम कितनी देंगे, तो वो हम सेट बटन से देंगे। और सेट बटन से सेव करने के लिए हमने जो सेट वैल्यू हमने दे दिया है उसको सेव करने के लिए सेट और रिसेट दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करना होगा, फिर उनको रिलीज करना होगा। उसके बाद में फिर हमने इंक्रीमेंट करके देख ले ये, तो फिर इंक्रीमेंट करने पर हमारी ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफी है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसकी प्रोग्रामिंग भी आपको बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाएंगे प्रोग्रामिंग। और ऐसे ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बेल आइकन प्रेस कर देना और सब्सक्राइब प्रेस कर देना, लाइक दबा देना। थैंक यू।